हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ राहुल मित्तल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें, क्योंकि हर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल एक जैसा नहीं होता, क्योंकि ये माइंड का गेम होता नॉट एजुकेशन। तो हर स्टूडेंट से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। और अगर आपको मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरा पेज है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वहाँ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी रिलेटेड में मेरे से बात करनी है आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव के नाम से मेरा पेज है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके फॉलो कर लीजिए। आप मुझे स्नैपचैट पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, हेलो गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? नौरस। कौन सा डे आज आपको लर्न करने का? 10th day. आपने कौन कौन से गियर में अभी तक कार चलाई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गियर तक। तो आपको क्या लगता है कितने परसेंटेज आपको ड्राइविंग आ चुकी है? 60-70% आ चुकी है। बट हाँ, और जब आप अपनी गाड़ी चलाओगे तो एक्चुअल में आपको पता चलेगा ना कि कितना कॉन्फिडेंस आया है आपको, है ना। तो उसके लिए जब आप अपनी गाड़ी चलाओगे तो एक्चुअल आपको पता चलेगा, है ना। मेरे हिसाब से आपको 70-80% ड्राइविंग आ चुकी है। आपके पास कौन सी कार है? वरना सीडान है। यह हैचबैक है, वो सीडान है। उसकी जो लंबाई है वो 15 फीट है और इसकी जो लंबाई है वो 13 फीट है। तो उसमें जो डिग्गी है 2 फीट की निकली हुई है, तो उसमें थोड़ा आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। तो आज मैं आपको सिंगल रोड पे कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी हैं, है ना। सिंगल रोड पे हमें सामने वाली गाड़ी को पास देते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जब हम पास दे रहे हो तो राइट वाला पैर हमारा किस पॉइंट पे होना चाहिए, एक्सेलेटर पे या ब्रेक पे। ज़्यादातर नए जो लोग होते हैं, नए नए सीखे होते हैं, वो एक्सेलेटर पे पैर रखे रहते हैं और कहते हैं कि हमने एक्सेलेटर दबाया नहीं है। पर अगर आपने एक्सेलेटर दबाया नहीं तो आपका पैर ही क्यों एक्सेलेटर पे है, है ना। वो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब अपने लेफ्ट वाले ORBM को चेक करो, लेफ्ट वाले ORBM को चेक करो, दिख रहा है? अब आपको जाना है राइट, तो राइट का सिग्नल दे दिया, गाड़ी अपनी लेफ्ट ही सटा के रखना ताकि राइट बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ, ताकि राइट साइड से अगर कोई व्हीकल आए तो वो डिस्टर्ब। अब राइट टर्न करो, एक राउंड पूरा घुमाओ, बस इससे ज़्यादा नहीं, हाँ। अब धीरे धीरे गाड़ी आपकी आ गई लेफ्ट में, अब करो सीधी, बस हल्का राइट रखो और एकदम स्ट्रेट जाना है, जाने दो। राइट वाला जो आपका पैर है वो ब्रेक पे रहना चाहिए, लेफ्ट वाला क्लच पे। जब आपको स्पीड बढ़ानी है तो राइट वाले पैर के सेंटर, जो आपका राइट वाला पैर है वो ब्रेक के सेंटर में रहेगा, और ब्रेक से आपको एक्सेलेटर की तरफ पैर से वी बनाना है। क्या बनाना है? वी, ताकि पूरा पैर आपका एक्सेलेटर पे ना जाए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पूरा पैर उठा उठा के करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेक की जगह एक्सेलेटर ज्यादा दब जाता है। एक्सेलेटर पे सिर्फ बस हमें इशारा करना है, हमें उस पर ताकत नहीं डालनी जरा सा भी, क्योंकि क्लच में ताकत ज़्यादा लगानी होती है। एक्सेलेटर और ब्रेक जो है ना बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही स्मूथ होता है। तो आपको करना है क्या है, राइट वाला पैर ब्रेक के सेंटर में रखना है, एकदम ब्रेक के, और जब आपको एक्सेलेटर पे जाना है तो वी बनाना है, ठीक है। इस टाइप से ऐसे करके वी बनाना है, ऐसे वी, ये कुछ लोग ऐसे पैर उठाते हैं, ऐसे नहीं उठाना है, और ना ऐसे, कुछ लोग ऐसे रखते हैं, ये पैर ऐसे होना चाहिए सेंटर में, ब्रेक देन एक्सेलेटर, ब्रेक एक्सेलेटर, ब्रेक एक्सेलेटर। इससे काफी हद तक आपका जो बाई मिस्टेक एक्सेलेटर दबता है वो नहीं दबेगा। अब हमें राइट रखो, हल्का राइट रखो, और आपने पासिंग डिपर नहीं दिया, आपको 100 मीटर पहले एक बार पासिंग डिपर देके सामने वाले को अलर्ट कर देना है, सामने वाले को अलर्ट कर देना है। अभी स्पीड मेंटेन करो, जाओ, हाँ, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, हाँ, थोड़ा सा राइट रखो, हाँ। जो अगल बगल से लोग आ रहे हैं, देखो यहाँ पे बचना भी है और बचाना भी है, आपको बचना भी है और बचाना भी है। कई बार क्या होता है, जैसे हम डिवाइडर रोड पे चल रहे हैं तो हमें बचने की जरूरत ही नहीं है किसी से, क्योंकि सामने से खतरा नहीं है। यहाँ पे आपको सामने से ही खतरा है कि सामने से जो लोग आ रहे हैं उनसे कैसे बचना है, जो लेफ्ट में लोग रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहे हैं उनसे कैसे बचना है। अब सामने देखो ब्लाइंड टर्न आ रहा है, तो आपको यहाँ क्या करना है, टर्निंग से 10 मीटर पहले राइट वाला पैर फाइनली ब्रेक पे ले आना है, ब्रेक दबाना नहीं है, एज ए जजमेंट के लिए, ताकि कहीं बाई मिस्टेक सामने से कोई बड़ी व्हीकल आ जाए, ट्रक या ट्रैक्टर या ट्रॉली कुछ भी, और अचानक आप ब्रेक समझ के एक्सीलेटर दबा दें। ऐसा होता है पैनिक कंडीशन में, जो नए लोग होते हैं घबराहट में उनके साथ दब जाता है। तो अगर आप पहले से ब्रेक पे पैर रखोगे तो क्या दबेगा, घबराहट में भी ब्रेक ही दबेगा। एक बार को ब्रेक बाय मिस्टेक दब जाए चलेगा, बट बाय मिस्टेक एक्सेलेटर दबेगा तो
नहीं चलेगा, क्योंकि फिर वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हमें करना क्या है कि जब भी हम कार को चला रहे हैं तो हमें कोशिश ये करनी है कि बाय मिस्टेक ब्रेक दब जाए चलेगा, पर एक्सीलेटर नहीं दबना चाहिए। चलो अभी जाओ, स्पीड मेंटेन करो। हाँ गुड। और अपने लेफ्ट साइड को भी देखो, नहीं तो इस पर टकरा जाएगी, ज्यादा सटाओगे तो इसमें जाके आपका टायर जो है फंस जाएगा। चलो अभी स्पीड मेंटेन करो, जब रास्ता क्लियर हो जाए तो बढ़ा लो, नहीं तो पता है क्या होगा, पीछे वाला फिर आपको हॉर्न देने लगेगा, वो इरिटेट होने लगेगा, वो लेफ्ट से निकालेगा राइट से निकालेगा। अब देखो टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ब्रेक पे पैर रख लो। अगर स्पीड आपको ज्यादा लग रही तो आप हल्का सा ब्रेक लेके गाड़ी की स्पीड डाउन कर सकते हो। अगर 20 प्लस आप चल रही हो, अगर आपकी कार में 20 प्लस स्पीड है और आपकी कार में गियर सेकंड है, तो आप बिना ब्रेक के, बिना क्लच के 5% स्पीड डाउन कर सकती हैं। 1 से 2 सेकंड के लिए ब्रेक लेके वापस उसको रिलीज कर सकती हैं। कंटिन्यू नहीं दबाना, ब्रेक लिया रिलीज कर दिया, हल्का राइट रखो। हाँ लॉन्ग हॉर्न पुश करो। हाँ लॉन्ग हॉर्न बजाया करो। होता है क्या, वैसे तो हॉर्न देखो इरिटेट करता है लोगों को, गाली है हॉर्न, बाहर कंट्री में लोग नहीं बजाते हैं, फाइन हो जाता है, बट यहाँ अगर ना ही बजाओगे तो लोग हटेंगे नहीं, हॉर्न देने के बाद भी नहीं हटते हैं। चलो स्पीड मेंटेन करो। हाँ जाने दो, चलो स्पीड बढ़ाओ, जाओ रेस करो। हाँ और राइट रखो, अपना लेफ्ट ही रखना, सामने देखो मेन होल है, उसमें नहीं कूदानी है गाड़ी। ये सब चीजें अगर बिफोर प्लान करोगे ना, 100 मीटर 50 मीटर पहले से आप प्लानिंग करोगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर लास्ट मोमेंट पे आप करोगे ना तो पता क्या होगा, फिर एक्सीडेंट होंगे। हम 50 मीटर 100 मीटर पहले से अगर प्लान कर रहे हैं ना तो बहुत आसानी से आप कार को कंट्रोल कर सकते हो। हल्का राइट दबाओ, राइट और बस, गाय आ रही थी। चलो अभी निकालो। हाँ गुड, एकदम से एक्सीलेटर नहीं देते। अब टी पॉइंट से हमें राइट जाना है ना, तो अभी से प्लानिंग करना स्टार्ट कर दो भाई। अभी से आपने सिग्नल दे दिया 50 मीटर मिनिमम, मैक्सिमम 100 मीटर पहले थोड़ा आप सिग्नल दे सकते हो। अब जब वहाँ पे टर्न करना होगा, टर्न करने से 10 मीटर पहले राइट वाला पैर ब्रेक पे ले आना। बहुत ज़्यादा पहले ले आओगे तो फिर क्या होगा, गाड़ी आपकी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, फिर पीछे जो लोग होंगे, क्योंकि हम आप सीख रहे हैं ना, अदर लोग तो सीख रहे नहीं है। अब यहीं से राइट जाना है, राइट टर्न करो, टर्न करो राइट और टर्न करो बस। अभी स्पीड बढ़ाओ, हल्का राइट रखो, राइट राइट रखो थोड़ा सा। हाँ राइट रखो हल्का, लेफ्ट आओ, स्पीड मेंटेन करो, जाओ। हाँ स्पीड मेंटेन करो, सब इन रोडों पे जिसने कार चला ली है ना, वो समझ लो हर जगह चला सकता है, क्योंकि खतरा यहीं पे है, क्योंकि सामने से भी गाड़ी आ रही है। लेफ्ट में देखो टेम्पो खड़ा था, आपने कितने प्यार से निकाला, कितना सटा के और कितना क्लोज करके और कितने प्यार से निकाला, जरा सा भी आपकी स्टीयरिंग लहराई नहीं। ऐसा ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। जितना ज्यादा आप अलर्ट रहोगे और जितना ज्यादा एक्टिव रहोगे, उतने अच्छे से आप कार को कंट्रोल कर सकती हैं। बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ। हाँ जाने दो धीरे धीरे। हाँ लॉन्ग हॉर्न पुश करो। हाँ राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, चलने दो धीरे धीरे। हाँ हल्का राइट रखो, जाने दो, जाओ रेस करो। हल्का राइट रखो। हाँ राइट रखो, राइट राइट वाला पैर ब्रेक पे। हाँ जाने दो धीरे धीरे, राइट रखो। हाँ
कट, स्पीड मेंटेन करो थोड़ा सा, अगर आप सिंगल रोड पे पासिंग डिपर यूज करती है ना तो आपको सामने से रास्ता क्लियर मिलता चला जाएगा, सामने से रास्ता क्लियर मिलता चला जाएगा। अभी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड कम, राइट रखो, राइट। हाँ चलो, ब्रेक पे पैर रखो, स्लो करो, हाँ स्पीड कम करो, हल्का राइट रखो, राइट रखो, राइट। हाँ राइट, जाओ, गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब हॉर्न देके और राइट से निकाल लो। अब यहाँ पे भी डाउन हिल आ रहा है ना, और यहाँ पे स्पीड ब्रेकर भी है, हल्का राइट रखो, राइट रखो, राइट। हेलो, जाने दो धीरे धीरे, ब्रेक को फ्री करो, ब्रेक को फ्री करो। बच्चा ब्रेक दबा लेती तो दबाए रहती है, उसको छोड़ना भी तो होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।